सर्वे का चैप्टर 4 दैट इज इंडस्ट्री पावर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट। अब इसमें से जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड नंबर पे पावर। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट आपके पीसीएस के एग्जाम्स के लिए एचसीएस के एग्जाम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अब इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में से कौन से एरियाज के ऊपर ध्यान रखना है देखिए, तो फर्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस द हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 टू प्रोपेल द स्टेट्स ग्रोथ स्टोरी, और ये पॉलिसी ऑलरेडी आ चुकी है। इसके 5-6 जो फीचर्स हैं बेसिक, उनको आपने ध्यान से देखना है। सो इट एनविजन्स टू एस्टैब्लिश एज ए कॉम्पिटिटिव एंड हरियाणा एज अ कॉम्पिटिटिव एंड फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। फर्स्ट गोल इज दिस, अचीव रीजनल डेवलपमेंट। थर्ड इज एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड फोर्थ इज ऑगमेंट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स पीपल थ्रू रिजिलियंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये याद रखने हैं कि इसके गोल्स क्या हैं। देन द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,00,000 करोड़ एंड जनरेट 5 लाख जॉब्स इन द स्टेट। सो ये अगर ऑब्जेक्टिव लेवल पे देखा जाए तो ये गोल्स हैं। देन इसके अलावा और भी बड़ी सारी पॉलिसीज हैं जो हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को बढ़ावा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल दी हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी विच केम इन 2018, हरियाणा लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग एंड रिटेल पॉलिसी 2019, हरियाणा टेक्सटाइल पॉलिसी 2019 एंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2019। तो बेसिकली एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैव बीन द रीसेंट लेजिस्लेटिव एरियाज विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जहाँ पे सरकार के द्वारा नई पॉलिसीज लाई गई हैं। देन आफ्टर दैट एमएसएमईज को लेके सरकार ने क्या किया है। सो एमएसएमईज की प्रमोशन के लिए पहले तो एक मैन्युफैक्चरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर हैज बीन सेटअप एट आईएमटी रोहतक। सो अनदर टेक्नोलॉजी सेंटर इज एनविसेज्ड एट इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर एट साहा। सो अनदर वन इज द सेंट्रल टूल रूम लुधियाना, जिसका एक एक्सटेंशन सेंटर अभी फरीदाबाद में बना है। देन देर इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, सो दिस हैज सेट अप अ टेक्नोलॉजी सेंटर इन द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीमका इन फरीदाबाद एंड स्टार्टेड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर एंड फैशन टेक्नोलॉजी। नाउ टू प्रमोट एमएसएमई फर्दर, मोर देन 20 प्रोविजन्स हैव बीन मेड इन द प्रपोज्ड HEEP 2020, like market development assistance scheme, testing equipment assistance, assistance for technology acquisition, assistance for environment compliance and investment subsidy on SGST, that is state goods and services tax, then stamp duty refund, employment generation subsidy and electricity duty exemption among others. इसके अलावा rural industries को boost करने के लिए एक specific scheme है, दैट इज हरियाणा ग्रामीण उद्योगिक विकास योजना। सो ये अलग से दी गई है अलॉन्ग साइड दी HEEP 2020। देन वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म्स टेकन बाय द स्टेट इज एस्टैब्लिशिंग ए सिंगल रूफ मैकेनिज्म, दैट इज हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर इन 2017। तो जिसके तहत जो क्लियरेंसेज आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए चाहिए वो टाइम बाउंड मैनर में आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। देन the KMP expressway, that is the Kundli Manesar Palwal expressway. Now this covers Delhi from these three sides, and you know, in addition, a global economic corridor which is proposed to be developed alongside the expressway is estimated to have an investment potential of around $50 billion. Then there is an integrated aviation hub which is coming up at Hisar, aur isi ke andar maintenance, repair aur overhauling ki facilities jo hain वो भी यहाँ पे शुरुआत करने की बात की जा रही है। MRO सर्विसेज के लिए बजट 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अनाउंस किया था, तो स्टेट गवर्नमेंट उसी के लाइन में यहाँ पे चल रही है। देन हरियाणा के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल टाउनशिप इज गोना बी सेट अप एट खरखोड़ा, दिस इज नियर सोनीपत, एंड इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप एट सोहाना। नाउ this is going to be a part of the the nearby region of KMP expressway, and this will be connecting Gurugram Sohna Alwar highway as well. To ek tarah se ek vishal industrial corridor yahan pe ban raha hai, aur iska jo overall vision hai that is the panchgram vision,
तो उस पंचक्रम विजन के अंदर ये केएमपी कॉरिडोर और बाकी सारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं इनको मॉडल लेवल पे डेवलप किया जा रहा है। अलॉन्ग विद दिस देर इज एन इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब इन नरनौल। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आने की एक्सपेक्टेशन है कि कौन सी चीज कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक, देन नेक्स्ट इज योर प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब इसके अंदर अगर कोई एमएसएमई वेंचर सेटअप करते हैं तो 25% और 15% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है रिस्पेक्टिवली इन रूरल एंड अर्बन एरियाज विल बी प्रोवाइडेड टू जनरल कैटेगरी एप्लीकेंट्स एंड 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द बेनिफिशरी एज एन इक्विटी पार्टिसिपेशन। दूसरा, जो एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी एक्स सर्विसमैन वुमेन या फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए जो प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्सिडी के तौर पे अवेलेबल है वो है 35% और 25%, और उनकी इक्विटी पार्टिसिपेशन मतलब जो खुद से उनको पैसे देने पड़ेंगे उस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग के लिए एज अ शेयर तो वो 5% ही है। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट स्कीम। देन नेक्स्ट इज द हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो इसको कब सेटअप किया गया, डेट हमारे लिए जरूरी है प्रीलिम्स में, दैट इज 19 फरवरी 1969 अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ द पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड एक्ट 1955। अब इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, दैट इज टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू एलिजिबल बोरोअर्स थ्रू डिफरेंट बैंक्स, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू पर्सन्स एम्प्लॉयड और डिसरस ऑफ सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन दी खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज सेक्टर, डेवलपमेंट इन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, देन प्रमोशन ऑफ सेल एंड मार्केटिंग ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स। तो ये जनरली केबीआईसी का यही फंक्शन होता है हर स्टेट के अंदर, तो हरियाणा में भी वैसे ही है। देन ये ऊपर से रिपीटेड है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज आउटलेट। सो बेसिकली जितने आउटलेट होंगे उतनी ज्यादा सेल के चांसेस बढ़ते हैं। 2018 में पहला आउटलेट इन्होंने बनाया था, अब दूसरा और तीसरा आउटलेट जो है वो झज्जर और नरनौल में बनाया गया है। सो इस तरह से केवीआईसी के आउटलेट्स हैं। नाउ एज फार एज माइंस एंड जियोलॉजी इज कंसर्न, तो हरियाणा के अंदर ज्यादा मेजर मिनरल्स नहीं है, हमारे पास माइनर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है जो माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट देखता है। इन माइनर मिनरल्स के अंदर स्टोन, बोल्डर, ग्रेवल एंड सैंड, दीज आर द मेन थिंग्स विच आर यूज बाय द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देन इसके अलावा इसमें कुछ खास आपके करने का नहीं है। इलीगल माइनिंग को लेके जो इंसिडेंसेस हैं कभी कभी न्यूज में रहते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर डेल्ट विद थ्रू सेक्शन 21 क्लॉज 5 ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसके तहत एक पेनल्टी ली जा सकती है फाइन के तौर पे या एफआईआर भी लॉन्च हो सकती है। इनका अगर डेटा देखें तो हरियाणा स्टेट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं पिछले 10 साल के अंदर वो करीब 26,485 केसेस लॉन्च हुए हैं। तो अगर पिछले साल में देखा जाए 2020-21 के अंदर अप टू सितंबर 2020 तो करीब 1,350 केसेस हैं। अब ये केसेस किस चीज के हैं, सो दीज आर ऑफ इलीगल माइनिंग इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली पे लेके जा रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते नहीं बिकॉज दे आर नॉट मच कंसर्न विद इट। देन जो पेनाल्टी इन लोगों को लगाई गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो करीब 592 लाख रुपए की पेनाल्टी इनसे ली गई है पिछले साल के अंदर ही। देन नंबर ऑफ एफआईआर लॉज पिछले साल कम है, सिर्फ 40 हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो 1,515 एफआईआर है। स्टेट की जो इसके लिए पॉलिसी है, दैट्स अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट इलीगल माइनिंग एंड एज पर इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट इट इज फैक्चुअली रॉन्ग टू से दैट एनी माइनिंग माफिया इज थ्राइविंग इन द स्टेट। हम ये टर्म बहुत सुनते हैं अखबारों के अंदर, माइनिंग माफिया, अब लेकिन जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड है वो ये कि हरियाणा के अंदर कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड माइनिंग माफिया जैसा कुछ नहीं है। देन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है दैट इज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। इसको 2015 में अमेंड करके सेक्शन 9 बी इसके अंदर जोड़ा गया था, जिसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन वॉज टू बी इस्टेब्लिश फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। इनका काम ये होता था कि किसी भी जगह पे जब माइनिंग हो रही है तो वहां पे आसपास का एनवायरनमेंट और वहां की डेवलपमेंट हैम्पर हो सकती है, इसलिए जो भी माइनिंग ऑपरेटर है उसको 10% एक फंड में जमा कराना होगा अपने माइनिंग के ऑपरेशन में से। सो दैट इज
माइंस एंड मिनरल्स रेस्टोरेशन एंड रिहैबिलिटेशन फंड। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी 5% पैसा इसमें जमा कराएगी। नाउ ये जो फंड है ये हर डिस्ट्रिक्ट में रिस्पेक्टिव डीसी के तहत रहेगा, डिप्टी कमिश्नर के अंदर, और इसको यूजेज के लिए देर इज अ प्रॉपर पॉलिसी दैट इज प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। सो क्या किया जाएगा इसके तहत, अब इसी फंड को यूज करते हुए दे विल बी इंप्लीमेंटिंग डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स इन दैट एरिया, मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट। तो कोई भी पोल्यूशन है या एनवायरमेंटल या हेल्थ हैजर्ड है उसको कम करने की कोशिश करेंगे एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑफ द अफेक्टेड पीपल इन द माइनिंग एरिया। सो ये पॉलिसी हमारे लिए जरूरी है। देन अब प्रेजेंटली यू नो देर इज अ पॉलिसी शिफ्ट अंडरटेकन और एंड प्रपोज टू बी अंडरटेकन। सो द डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड ग्रांटिंग मिनरल कंसेशंस ऑफ स्मॉल साइज माइनिंग्स माइनिंग यूनिट एंड ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ बिग एरियाज। तो छोटे एरियाज में माइनिंग के ऑपरेशन के लाइसेंस देने से क्या होगा कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी माइनिंग में आ सकते हैं। तो दिस विल इंक्रीज देयर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सिवाय इसके कि सिर्फ बड़े ही बिजनेसमैन इसमें आए। देन इसके अलावा जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको अगर देखा जाए तो वो हमेशा कम पड़ती है। स्टेट में से जितना भी माइनिंग किया जाता है वो करीब 60 से 65% जो हमारी रिक्वायरमेंट है हरियाणा की वो ही कंप्लीट कर पाता है, बाकी का फिर स्टेट को बाहर से कंस्ट्रक्शन के लिए बेसिक मटेरियल मंगवाना पड़ता है। नाउ एज फार एज पावर इज कंसर्न, द गोल इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबली प्राइज्ड रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा। नाउ हरियाणा स्टेट हैज अ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे हाइड्रो है, चाहे कोल माइन्स हैं, चाहे विंड वेलोसिटी है, इनमें से कोई भी हमें ठीक से सूट नहीं करता। और सोलर इंटेंसिटी हालांकि ठीक है लेकिन जमीन की कीमतें ज्यादा हैं, इस वजह से लैंड एरिया भी लिमिटेड है हमारे पास हरियाणा के अंदर। तो दिस डज नॉट एनकरेज लार्ज स्केल हार्नेसिंग ऑफ द सोलर पावर एज वेल। तो इसलिए जो डिपेंडेंसी है स्टेट की वो एक तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के ऊपर है एंड दूसरा जो कि बाकी के प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स या फिर आसपास के स्टेट से जो बिजली खरीदी जाती है तो उनके साथ एग्रीमेंट्स के भरोसे काम चलता है। ठीक। देन इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना के बारे में पता होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पुरानी स्कीम है जिसके तहत जो पावर यूटिलिटीज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके जो कर्ज थे वो बढ़ते चले जा रहे थे बिकॉज उनको तो ऑपरेट करना ही है और बिजली मुहैया करानी है क्योंकि ये उनका काम है। लेकिन कई बार उनके एटीएनसी लॉसेस बहुत होते हैं, दैट इज एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, जैसे कि जो बिजली जा रही है तारों के अंदर तो उसका हीट लॉस होता है। ओम्स लॉ आपको याद होगा, वी इज इक्वल टू आई आर, है ना। और हीट लॉस के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास मोर देन दैट देर इज अ ट्रबल ऑफ बिजली चोरी। सो उसकी वजह से भी, या फिर लोग जो अपने बिजली के बिल भरपाई नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से भी देर आर सर्टन ऑपरेशनल ट्रबल्स, तो इनका जो कर्ज है वो बढ़ता चला जाता है। और उसको ठीक करने के लिए, उनकी माली हालत को सुधारने के लिए उदय बॉन्ड्स का एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी। तो उसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने भी उदय बॉन्ड्स इशू किए हैं करीब 17,300 करोड़ के, और उसके बाद 86,50 दैट इज 8,650 करोड़ रुपीज इन 2016-17। तो इसके तहत जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं हरियाणा के अंदर दे विल बी बेनिफिटेड क्योंकि उनका डेट जो है उसकी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ बोरोइंग जो है वो कम हो जाएगी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका काम है पावर जनरेट करना, देन देर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट ऑल्सो। अब इसको कुछ अवार्ड्स मिले हैं, सो दिस हैज गॉट द फर्स्ट पोजिशन इन द 16th नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट 2018। सो अंडर द कैटेगरी पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन एंड ऑर्गेनाइज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो दिस इज टू बी रिमेंबर्ड एज अ प्रीलिम्स फैक्ट। देन सेकेंड फैक्ट इज द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज लीज द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020 विच ट्रैक्स द प्रोग्रेस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स इन 36 स्टेट्स एंड यूटीज। सो बेस्ड ऑन 97 सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स जिसमें से हरियाणा को फर्स्ट रैंक मिला था इन द स्टेट
Energy Efficiency Index 2019. Yeah. Now, HPGCL जो है वो आज की डेट में इट इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी की जो क्रॉप रेजिड्यू है फॉर एग्जाम्पल दी स्टबल दैट इज बर्न्ड तो उसको भी पावर स्टेशन में किसी तरह से कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट के साथ एज अ फ्यूल यूज किया जा सके सो दैट विल बी गुड फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंसिडरेशन देन बियॉन्ड दिस ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट्स के लिए अब आम सहमति बनती जा रही है तो उसके लिए स्टेट में करीब 183 मेगावाट की क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑलरेडी मार्च 2020 तक इंस्टॉल हो चुकी थी देन सोलर वाटर पंपिंग प्रोग्राम तो इसको पहले पायलट प्रोग्राम के तौर पे लॉन्च किया गया था 2019-20 में जिसमें 2300 पंप लगाए गए थे अभी उसके बाद करीब 50,000 पंप और लगाए गए हैं और जो हॉर्स पावर है वो बढ़ा दी गई है सो फर्स्ट इट वॉज 2 HP टू 5 HP नाउ 3 HP टू 10 HP and state government is providing a subsidy of 75%. So this is good. And this is as a part of the component B of Pradhan Mantri Kusum, that is Kisan Urja Suraksha Evam Uthan Mahabhiyan. So basically it will save the energy cost and will ensure that irrigation facility is maintained with every farmer. Okay. Iske ilawa ek Manohar Jyoti program hai. जिसमें लाइटनिंग एनर्जी नीड्स ऑफ पब्लिक आर मेट बाय द डिपार्टमेंट थ्रू अ पर्टिकुलर LED SPV होम लाइटिंग सिस्टम सो इसमें क्या किया जाता है कि 15,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है पर सिस्टम में और हर सिस्टम के अंदर 2 LED बल्ब 6 वॉट के 1 LED ट्यूबलाइट 9 वॉट 1 DC सीलिंग फैन आमतौर पर जो लगा होता है वो AC होता है नाउ दिस इज 25 वॉट एंड 1 USB पोर्ट फॉर मोबाइल चार्जिंग सो इस सिस्टम को घर पर लगाया जाता है और इस सिस्टम का जितना भी कॉस्ट आता है उसमें से 15,000 स्टेट गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी प्रोवाइड करती है देन देर इज बायोमास सो हरियाणा हैज़ अ बायो एनर्जी पॉलिसी विच केम इन टू बींग इन 2018 एंड इसकी टारगेट है कि 150 MW की इंस्टॉलेशन बायोमास प्रोजेक्ट की करनी है बाई 2022 फिलहाल करीब 50 MW की जो इंस्टॉलमेंट है वो की गई है कैपेसिटी की 150 में से तो कभी 100 MW अभी पेंडिंग है कोविड के चलते ये थोड़ी सी स्लो डाउन रही पिछले साल अब कुरुक्षेत्र कैथल जींद और फतेहाबाद ये चार जगह पे मेजर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं दैट हैव कम अप फॉर बायोमास बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स तो प्रिलिम्स के लिए ये चारों याद रखने हैं देन सोलर इन्वर्टर चार्जिंग प्रोग्राम सो डिपार्टमेंट ने सोलर इन्वर्टर चार्जर कंसिस्टिंग ऑफ सोलर पैनल्स एंड इंटरफेस चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल करने शुरू किए हैं इनकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो है वो 14,500 और 21,000 के आसपास आती है फॉर 300 वॉट एंड 500 वॉट मॉडल जिसमें से सरकार जो है वो एक साइजेबल सब्सिडी 6,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड कर रही है इसके अलावा सोलर एनर्जी अब स्टेट के अंदर जितनी भी गौशालाएं हैं उनके अंदर लगेगा और जिसमें से 80-85% ग्रांट सरकार देगी और बाकी की जो गौशाला का और गौ सेवा आयोग के जो संस्थान है वो बाकी की कॉस्ट बियर करेंगे और वहाँ पे सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे देन आर्किटेक्चर को लेके यू शुड नो दैट नोडल एजेंसी इज द डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड इसका बेसिक सा कंसर्न होता है कि जो इकोनॉमिक एस्थेटिक या बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका ध्यान रखना है एंड देर इज अ हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 एंड एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सो दीज आर बीइंग अडॉप्टेड टू मेक बिल्डिंग डिजाइंस इको फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट तो ये कोड आपने याद रखना है इसका ईयर भी याद रखना है देन बियॉन्ड दिस रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा वर्कआउट आपको करने की जरूरत नहीं है फिल्म्स के अंदर कुछ एरियाज है जहां पे फ्री कंसेशनल ट्रैवल फैसिलिटीज हरियाणा में दी जाती हैं स्पेशली बाय द हरियाणा रोडवेज सो इसका ध्यान रखना है सो ये कैटेगरीज जो जितनी भी यहां पे दी गई हैं इट इज प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंसेशनल ट्रैवल फैसिलिटीज एज अ सोशल ऑब्लिगेशन टू डिजर्विंग सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज लाइक स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड यूथ अटेंडिंग द इंटरव्यूज 100% हैंडीकैप पीपल विद वन अटेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स एक्स एंड प्रेजेंट MLAs, MPs, प्रेस correspondent एंड पुलिस एंड जेल स्टाफ देन देर इज फ्री ट्रैवल फैसिलिटी फॉर 100% डेफ एंड डम विद वन अटेंडेंट देन फ्री ट्रैवल फैसिलिटी फॉर नेशनल यूथ बॉडीज
free travel facility for women and children on Raksha Bandhan or Rakhi Day, 100% mentally retarded persons on Haryana roadways or ordinary along with one attendant, free travel facility to the widow of deceased employee of Haryana roadways. Then only 10 single fares are being charged from the male students for monthly passes, and 10 and girl students are allowed to travel free jo schools or colleges mein padhne jaate hain. Then 50% of the ordinary fare within Haryana for NCC cadets to participate in their training, 50% concession in the bus fare of Haryana roadways to Haryana resident senior citizens, women on attaining the age of 60 and men for 65 years. Then ye sari categories yaad rakhni hai, basically inme se aapse kuch bhi question pucha ja sakta hai, so the entire category you should remember. Then beyond this, in roads and transportation, nothing much, just the civil aviation you have to work on. So civil aviation ke andar hamare paas 5 airstrips hain Haryana ke andar, Pinjor, Karnal, Hisar, Bhiwani aur Narnaul. Inme se do jagah pe hamare paas flying training centers hain, so that come under the Haryana Institute of Civil Aviation. One is at Karnal and the other is at Pinjor. Inme private pilot license PPL, commercial pilot license CPL aur industrial instructor rating, teenon tarah ke licenses jo hain wo unke liye training di jati hai. So this is it from this chapter. The next chapter, that is education and IT, we'll be covering in our next video. So make sure you check out for that. Don't forget to subscribe the channel for all the important alerts for your Haryana Civil Services prelims examination as well as UPSC examination. Thank you so much. All the best for your exam. This is me, Abhishek Sharma, signing off.